हाँ बाबू, का चाय चाहिए? का बल बच्चा, गरम बाय, ठंडा हो जाई। अभी कितना बचत है बहनी? कितना बचत बाय? लगभग 7:30 बजता हुई ना? हाँ। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। और गांव में ये मेरा दूसरा दिन है और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है गांव का नज़ारा देख के। गांव का जो रीति रिवाज है, कल्चर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थे। कहाँ जाए क्या आगे? हाँ, तो या जैसे कि सब कुछ मेरा यहाँ पे आने के बाद चेंज हुआ है। मेरी भाषा, सब लोग के साथ पहले क्या है, हिंदी में हम लोग बात करते थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो अगर हिंदी में बोलूँगे ना तो थोड़ा सा और लगता है। तो मुझे मेरा जो भाषा है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने भाषा में ही बात करूँ और लोगों से, बच्चों से भी, बड़ों से भी, अपना जो जो भोजपुरी भाषा होता है वो उसमें ही बात कर रही हूँ। तो आप देखेंगे ना, तो ये हमारे गाँव का सामने वो घर दिख रहा होगा, अभी ओस की वजह से नहीं दिख रहा आपको, सीट गिर रही है। तो ये जो मेड़ी दिख रहा है, ये मेड़ी रास्ता है, इस रास्ते से ही मतलब जाना आना होता है। तो ये देखो सामने, ये इसको क्या कहते, ऊख कहते हैं ना भोजपुरी में, इसे ऊख कहते हैं और इसे हम हमारे गुजराती भाषा में ये कहते हैं सेरडी कहते हैं, और हिंदी में इसको गन्ना कहते हैं। तो आप देखेंगे शुगर केन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये रास्ते में ये लगा हुआ है कि ये रास्ते से हम लोग आए, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना सुंदर, मतलब अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ना यहाँ की ये है कि घर के अगल बगल पालक है ना, ये इसको हम भोजपुरी में पलकी कहते हैं और हिंदी में पालक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और ये बच्चे लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं, हंस रहे हैं कि मैं इनको बुआ लगूंगी। तो वो सोच रहे हैं कि बुआ क्या बता रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सब काट के बेचते हैं क्या माँ? बेचे ना? अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ना इनका मतलब व्यापार करते हैं इसका, तो ज़्यादा ही कुछ अच्छा लग रहा है। और सामने वो अब गन्ने का खेती देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गन्ना लगा हुआ, और यहाँ पे एक मंदिर बनाया जा रहा है। देखते किसका मंदिर बनेगा, भविष्य में कभी आना रहा तो देखेंगे। और ये शुरू हो जाता है यहाँ का गांव। मेरे भैया लोग जो हैं गांव से बाहर रहते हैं, है ना, गांव से बाहर, मतलब उनका बाहर था ज़मीन, तो वहाँ पे उन्होंने घर बनवा लिया। तो ये सब गांव है, तो अंदर हम नहीं जाएंगे, हम बाहर ही बाहर जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि शादी का इस समय क्या है ना, शादी का टाइम चल रहा है घर पर। शादी है 28 नवंबर को शादी है, जो बहन है मेरी, भैया की बहन, मतलब मेरी भी बहन हुई, क्योंकि मेरे बड़े पापा की लड़की है तो मेरी भी बहन हुई, तो उनकी शादी पड़ी है। तो उसी के लिए आज सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, ऐसे करके 2-4 दिन तो फंक्शन ही चलता है। और पहली बार मतलब मैं शादी अटेंड करी, वो भी गाँव की, वो भी खुद के घर की, तो एक अलग बात है। तो यहाँ से फूल तोड़ना है हमको, तो बंदे पकड़ा हाथ से तोड़ा। फूल तोड़ने जा रही हूँ, यहाँ पे किसी ने फूल लगा के रखा। सबसे अच्छी बात होती है ना गांव में, आपको हर चीज नेचुरल मिलती है, नेचुरल एकदम। तो हाथ से तोड़ो, बनाओ, खाओ, पूजा के लिए भेज। दीदी उधर भी है। बच्चा पार्टी में तोड़ूंगी, आप लोग नहाए नहीं हो। ओ हीरो, ए भाई नहीं मत तोड़ा। पास में आके इस फूल के दिखा रहा, आप देख सकते हैं ये गेंदे का फूल है, हाँ यहाँ पे भी है। चलो यहाँ पर ना देखिए, गांव में तो यहाँ पर ठंडी लग रही है, यहाँ पे इतनी ठंडी लग रही है कि यहाँ पर सब स्वेटर के बगैर रहते ही नहीं है। और मैं भी स्वेटर तो लाई नहीं, शॉल लेके आई हूँ, क्योंकि कानपुर में रही हूँ ना, तो मुझे ठंडी का अंदाजा है
ठंडी कितनी पड़ती है। तो लेकिन मुझे लगा कि दिसंबर में पड़ेगी, लेकिन ठंडी तो पड़ी रही बहुत जबरदस्त। रोड के बगल बगल में ये सब फूल का पौधा लगा कर रखे, लगा जाए जगह जितने जमीन पर ना सबके लगा देना चाहिए। सुंदर कितना लग रहा है, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। की कब घर बाय बहन? मतलब भैया का चाचा लगे। अरे वाह, यहाँ तो केला भी फरल है, जबरदस्त टिबुल देखो, आप देख सकते हैं टिबुल है इसमें बहनी के नहाला अपना पानी जाला मतलब नहा भी सकते जरा, तो खेत में पानी जाते हमके पूरा लिया ठीक है, हम आवे चाहिए। जबरदस्त फूल है यार। ओ कितने ले ला संदीपवा के पत्ती उठा अच्छा अच्छा पत्ता तोड़ लेना है हीरो। हाँ पूजा के लिए, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है संदीप, ऐसे पत्ता तोड़ना बन दिखा, पत्ता दिखा देता है ये पत्ता सबसे बढ़िया संदीप, देखना पत्ता तोड़ना ना का जूम तो अपने अपने कर रही है एडिट करके ना, तो रख ले पार्टी तोड़ ताड़ के वो देख रख ला लूं क्यों कुछ का दिक्कत है। लहसुन प्याज ना नहीं रख के नहीं रख एक कर दी मेरे बाबा माफ करना बाबा। अरे वाह ये तो प्याज नहीं, वो तो दोनों नहीं है, नहीं पगले को देना फिर क्या है अम्मा डांटे का वो तो अकेले पाई उठो हमें क्या बतावा हमें एक बार आलू बोआ आप लोग देख सकते हो ये जो क्यारी बनी है इसके अंदर आलू इसको आलू का बीज डाल दिया गया बोआ गया है और वो सामने लहसुन और प्याज था और ये आप देख सकते पूजा का सामान हमने तोड़ लिया है केले का। बच्चा आप तो छोड़ा कैमरा इमन का बाय
मुर्गी डाली हमने चिराई हम देखने खाना सवेरा कुछ रहा ला हम पता ना मुर्गी मुर्गी डाली है चिराई डाली है तो पाला ला लेगा अच्छा हां अच्छा अच्छा ये देख सकते हो हां देखा मैंने लिया अगर ये पालक खरीद तो कितना का भी है पालक खरीद तो कितना का भी है 10 रुपए तो जी हां जागे यहां पालक खरीद रहे हैं पहले पहले पालक खरीदने का मेरा मन कर रहा है खरीद के इसी की सब्जी बना के खा रही हां हां हम के ना पालक खाए के मन कर रहा है धिया का खरीद कर चना अब आगे खरीद के ले जाएंगे सांझी ने पालक की सब्जी खाएगी एक और मंदिर बनत भाई समझ में ना आवत बा सरकार की छे ओहो आप देख सकते हैं यहां पे खेत जोता रहा है अब यहां पे ना आलू की खेती करेंगे खेती होने वाली है यहाँ पे धान की खेती हुई थी अब खेत पूरा जुता गया है हाँ कुछ बाय कुछ हवा ना फूल तो हवा वैसे चलो बच्चा पार्टी अगवा अगवा चला था लो हमके जाएगा भैया हमके जाएगा यार चल कहाँ दिखाए हो इसको यार आप देख सकते हो गांव की लाइफ तो क्यों सामने आ रहा है वो बच्चा को ले रही हूँ मैं लोगों को हट मैं बच्चे लोगों को ले रही हूँ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो मेरी पूरी पलटन आ रही है ये सब मेरे मतलब कोई मुझे फुआ बोल रहा है कोई मौसी बोल रहा है तो ऐसे से मेरा रिलेशन है इन लोग के साथ और डीएनए ही भाई ये तो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं तो भाई डीएनए ही कहीं ना कहीं मेरा ये तो अच्छा लग रहा है ये पहुंच गए हम लोग घर ये घर हम लोग पहुंच गए और एक फूल और काफ़ी चीज़ें हम तोड़ लिए आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऊपर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में पूजा के लिए सजावट हो